गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग 1 से 6 तक के प्रश्न को बनाए थे, आज हम लोग प्रश्न 7 से आगे बढ़ेंगे, जिसमें से 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c पूरे के बट्टे में साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल टू एट साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को कुछ प्रश्न पहला दूसरा तीसरा चौथा आप लोग बना भी चुके हैं, तो वो भी एक फॉर्मूला के रूप में ही है, है ना। जैसे कि आप लोग हम लोग को पता है, जैसे इसका क्वेश्चन बनाओगे तो लिखना, चूँकि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू क्या होता है 4 साइन a साइन b और क्या होता है साइन c। इसको लिखना है आप लोग को, फिर एक बार प्रूफ करना नहीं है। तथा नीचे भी बनाए हो आप लोग, है ना, प्रश्न नंबर 4 साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c का फॉर्मूला क्या होता है 4 कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 और क्या हो जाएगा कॉस c बाई 2। तो आप लोग ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे तभी जाके आपका क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग को फिर से इसको बनाना नहीं है ना, पहला और चौथा प्रश्न को, ये फॉर्मूला ही है वास्तव में। साइन 2a साइन 2b साइन 2c का डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं और साइन a साइन b साइन 2 को ऐसा लिख सकते हैं, दोनों के वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना। जैसे ही दोनों के वैल्यू को पुट करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और वहाँ पर मैं अगर पुट कर दूंगा तो मेरा जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा 4 साइन a क्या मिलेगा साइन b क्या मिलेगा साइन c नीचे क्या मिलेगा 4 कॉस a बाई 2 क्या मिलेगा कॉस b बाई 2 क्या मिलेगा कॉस c बाई 2, ये आपस में कैंसिलेट होगा। तो ऊपर में ध्यान देंगे a है नीचे a बाई 2 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, a बाई 2 को तो a नहीं बना सकता, लेकिन a को मैं क्या बना सकता हूँ, a बाई 2 बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं साइन a का सूत्र लिखूँगा, तो साइन a का सूत्र होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, आपको पता है ना, क्या पता है जी, यहाँ पे लिख लेना साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। तो यहाँ पे केवल a है, तो यहाँ पे बाई 2 बताया था, साइन b का क्या हो जाएगा 2 साइन b बाई 2 कॉस b बाई 2 होगा, और साइन c का क्या हो जाएगा 2 साइन c बाई 2 कॉस क्या हो जाएगा c बाई 2, पूरे के बट्टे में हो जाएगा कॉस a बाई 2 कॉस क्या हो जाएगा b बाई 2 और क्या हो जाएगा कॉस c बाई 2। यहाँ से क्या होगा, ध्यान देंगे कॉस 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 और ये वाला कॉस कैंसिल, 2 2 2 तीन बार गुणा होकर 8 हो जाएगा और क्या मिलेगा आपका साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और क्या मिलेगा साइन c बाई 2, ये मेरा क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये क्या होता है छोटा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला जो प्रश्न 1 और 4 का फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्योंकि आप लोग फिर बनाओगे तो प्रश्न 1 को पूरा बनाना पड़ेगा, प्रश्न नंबर 4 को तो उतना लंबा बनाना नहीं है। ये फॉर्मूला होता है दोनों को, चूँकि इतना इक्वल टू इतना और इतना बराबर इतना लिख लेना है, दोनों के वैल्यू को क्या करना है पुट करना है, ठीक। ऐसा ही प्रश्न आप लोग का 8वां बनेगा सेम, और प्रश्न 1 और प्रश्न 6वां या 5वां देख लेंगे, है ना, उससे मिलता जुलता है। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को, है ना। तो मेरा जो प्रश्न नंबर 9 है इस प्रकार है, सेम है, यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई हो तो क्या लाना है, साइन a प्लस साइन b माइनस साइन c बट्टे साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c बराबर 10a/2 और 10b/2 ये प्रूफ करना है, ठीक। ऐसा ही 10वां भी है, तो हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं पहले 9वां को। तो 9वां क्वेश्चन को बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर में देखो तो साइन ए है साइन बी है साइन सी, यहाँ पे साइन सी माइनस डी का सूत्र भी लगा सकता हूँ चाहे प्लस का भी लगा सकता हूँ, आपका मन है। तो मैं जैसे साइन ए की जगह लिख सकता हूँ, सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो एक बार प्रश्न को आप लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, एग्जाम में सबसे पहला दिया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, फिर क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है जो प्रश्न है एक बार लिख लेना, फिर क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, याद रखेंगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, पहला दिया है फिर सिद्ध करना है उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि बाई के रूप में लाना है। यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाऊंगा, तो आपको पता है साइन सी माइनस साइन डी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है 2 कॉस सी
प्लस डी बाई टू इंटू साइन क्या होता है सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे सी की जगह क्या है बी है और डी की जगह सी है, इसलिए एक बार जोड़ के दो से भाग देना है, एक बार घटा के, एक बार कॉस लिखेंगे एक बार साइन लिखेंगे ना। तो पूरे के बट्टे में फिर से साइन ए का हो जाएगा टू साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में प्लस का सूत्र है तो प्लस का सूत्र चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा टू क्या होता है साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। उल्टा होता है, अगर साइन प्लस में रहता है तो साइन पहले होगा, अगर माइनस में रहता है तो कॉस पहले होता है ना। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, उसको कैसे बनाएंगे टू क्वेश्चन को एक बार जैसा कहता है ऐसा लिखो टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो तो बी प्लस सी आपको बनाया है, बी प्लस सी को आप लोग ए बना सकते हैं, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बताया था पाई है तो कॉस 180 माइनस थीटा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इसको क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे पाई के रूप में दिया है क्वेश्चन है ना, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि टू कॉस बी प्लस सी बाई टू को यहाँ पे क्या बाई टू है ना, ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं टू का टू रहेगा साइन ए बाई टू, बाई टू है इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बाई टू है तो ये भी बाई टू होगा और 90 हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, इसीलिए कॉस का हो जाएगा साइन। यहाँ पे माइनस वाला चेंज नहीं होता है आपको पता है, हमेशा प्लस वाला ही चेंज होता है ना। उसके बाद नीचे का भी सेम रहेगा टू साइन ए बाई टू क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू प्लस, यहाँ पे भी देखो प्लस वाला चेंज होगा तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा है ना, और ऊपर वाला माइनस वाला क्या रहता है आपका सेम रहता है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे आप है ना, क्या लिखेंगे बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा का साइन और साइन 90 माइनस का कॉस हो जाएगा। उसके बाद देखो तो दो दोनों में कॉमन है ना, साइन ए बाई टू भी है तो साइन ए बाई टू दोनों में है तो क्या क्या बचेगा जी कॉस ए बाई टू प्लस क्या मिलेगा साइन बी माइनस सी बाई टू, नीचे में भी क्या है टू साइन ए बाई टू क्या है दोनों में है तो क्या बचेगा जी मेरा कॉस ए बाई टू प्लस क्या हो जाएगा कॉस बी माइनस सी बाई टू है ना। तो आपका ये बचा थोड़ा तबियत ठीक नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास से आप लोग को ज़्यादा ही बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस एन सी, यहाँ पे क्या है आपका बच्चा यहाँ से क्या होगा सॉरी यहाँ से कॉस, यहाँ पे देखो तो साइन और कॉस है, मैं थोड़ा सा उल्टा निकाल दिया, यहाँ से कॉस बाहर आएगा ध्यान देंगे है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा जी आपका यहाँ पे क्या बचेगा साइन बचेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है कॉस है, यहाँ पे टू और टू कैंसिल होगा, साइन बटे कॉस का मैं क्या लिख सकता हूँ टेन ए बाई टू है ना लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉस के फॉर्म में है ये साइन के फॉर्म में, तो दोनों को समान बनाना है तो कॉस को साइन में चेंज करोगे तो क्या कर सकते हो साइन बी प्लस सी बाई टू पुनः ला सकते हैं इसको इसीलिए किया था है ना। उसके बाद नीचे भी सेम होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं कॉस बी प्लस सी बाई टू कॉस बी माइनस सी बाई टू, अब पता है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र फिर से लगाए तो साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र फिर से लगाएंगे तो मेरा क्या मिलेगा आपका सूत्र होता है क्या हो जाएगा टू है ना। एक बार क्या होता है दोनों को जोड़ेंगे तो देखो प्लस सी और माइनस सी डायरेक्ट कटेगा, बी और बी टू भी हो जाएगा और नीचे में दो तो दो और दो भी कटेगा तो मेरा क्या मिलेगा साइन बी बाई टू, आप लोग लगा सकते हैं सूत्र। एक बार क्या मिलेगा मेरा कॉस सी बाई टू, क्योंकि प्लस में है तो पहले साइन कॉस और कॉस कॉस का आपको पता है क्या होता है कॉसिस के फॉर्म में होता है टू कॉस बी बाई टू हो जाएगा और कॉस सी बाई टू, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट दो और दो भी कटा तो मेरा क्या मिलेगा टेन ए बाई टू, इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा हो जाएगा टेन बी बाई टू, ये मेरा क्या है राइट हैंड साइड। तो आपको क्या है क्वेश्चन को आराम से बनाना है, फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन, अगर फार्मूला याद है तो आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार आपका नौवां भी बना लेंगे। तो ये आपका जो दसवां प्रश्न है इसमें याद रखेंगे कॉस बी प्लस कॉस सी का एक तो कोष्टक लगा देंगे तो माइनस निकलेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस पहले से है, इसका एक तो जोड़ा बनाएंगे दोनों का है ना, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे कॉस ए का सूत्र लगाएंगे टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, तो एक और एक भी कटेगा, इस प्रकार आपको बनाएंगे तो दसवां क्वेश्चन बनेगा।
और आपका और एक क्वेश्चन नंबर क्या 11वां, 11वां में तीनों का एलसीएम निकालना है ना, इन तीनों का एलसीएम निकालना। फिर क्या करोगे, एलसीएम निकालने के बाद आपका क्वेश्चन जो है बनेगा, है ना। इसमें क्या होगा, एलसीएम जैसे ही निकालोगे तो आप लोग का क्या मिलेगा, आगे जाके देखना, उसमें जो प्रश्न नंबर एक है मिलेगा, वहाँ पर प्रश्न एक का सूत्र को रखेंगे तो आ जाएगा। तो आज हम लोग 11 तक ही बनाएंगे, है ना। और थोड़ा तबियत भी ठीक नहीं है, कल से 12 देखेंगे, 12 से नया टाइप का क्वेश्चन बनेगा भी आप लोग का। तो इस पर ज़्यादा आप लोग को बताया था कि इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कल या ध्यान देंगे, कल प्रश्न 12 से लेकर प्रश्न 20 तक आप लोग को बताया जाएगा, है ना। फिर एक दिन 21 से 30 तक, और एक दिन क्या हो जाएगा आपका 31 से उधर का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो कल से लंबा लंबा थोड़ा वीडियो बनेगा आप लोग को, अब 10 कम से कम 11 तक को बना लेना है। प्रैक्टिस करोगे तो आगे बनता जाएगा, क्योंकि इतना बनाओगे तो फिर उधर क्या है इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, साथ में उदाहरण भी बनाते हुए जाना है। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कर सकते हैं। अभी तक मात्र 4 ही लोग का काफ़ी चेक, मतलब काफ़ी पूरा हुआ है ये D10.1 का 6 क्वेश्चन। तो बाकी लोग भी आप लोग डेली का डेली बनाएं, आज आप लोग का रिजल्ट भी भेजा गया है, देख सकते हैं आप खुद का आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।